कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सीमा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हाले कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी। उसी में अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था रेलिंग पकड़ करके, कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहां मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप नहीं। मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा, मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। आपने सूचित कर दिया? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आ गए थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है माने रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय। तो राजेंद्र अग्रवाल को आप सुन रहे थे, पीठासीन सभापति, जिनकी तरफ से कहा गया, इन्हीं का वो चेयर था जब ये शख्स सबसे पहले यहां पर कूदता है और देखिए कैसे एक के बाद एक चेयर की तरफ कूदकर ये आगे जाने का प्रयास करने लगा और उसी दौरान चारों तरफ से इस शख्स को घेर लिया जाता है। हालांकि जिस स्मॉग की सुबह बात हो रही है, आखिर वो स्मॉग की इंटेंसिटी क्या थी, क्या उससे कोई हार्म हो सकता था या नहीं हो सकता था, इस शख्स का मकसद क्या था, ये तमाम चीजें जो है वो अब सवालों के घेरे में है। और एटीएस की टीम जो है इस वक्त इसी